मैं लोगों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि 9 दीपक मोदी जी के नाम पे जरूर जलाएं, देश के नाम के लिए जलाएं, मोदी जी के कहने पे देश के नाम जलाएं, देश को प्रज्वलित करें, आगे की दशा और दिशा इसी पे निर्भर करेगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा जो ये 9 दीपक है, ये आप देखें, ये बिल्कुल मेरा 9 दीपक तैयार है, और हर में किसी में ओम का है, किसी में गणेश का है, किसी में शंख का है, और मैं ये 9 दीपक के माध्यम से मैं 9 ग्रहों को पूजा करूंगी। उस सर्वभौम से मैं प्रार्थना करूंगी कि जो हमारे शीर्ष पे बैठे हुए नेतृत्व पे हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे नेता हैं, वो हमारे हमारे स्वस्थ रहें और बिल्कुल देश को, राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा दें। पूरा का पूरा देश, ये तो सो कॉल्ड जो हमारे अपोजिशन में बैठे हुए कुछ लोग हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो थोड़े लोग इधर उधर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इन दोनों की तरफ देख रहे हैं और ये देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं। और साथ में मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगी, आप जहां पे भी है जो भी चीज गलत देखते हैं, प्लीज आप अपने फेसबुक पोस्ट पे डालें और लोगों के बीच में लाएं। आप शांत ना बैठे कि जब आपके घर पे नॉक होगा तभी वो मतलब दस्तक और तभी वो भूचाल माना जाएगा। अगर बगल पड़ोसी के घर में भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपकी तरफ है, तो आप जागृत रहें, जगे रहें। और मोदी जी के लिए तो मैं 1-2 लाइन रामधारी सिंह दिनकर, मैं बिहार से आती हूँ, मैं उनको बार बार पढ़ती हूँ, उनकी जो कविताएं होती है वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको पूरी तरह से झकझोरती हैं। और उनकी लाइनें हैं कि सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। तो जो ऊंचा सद्धर्म निभाने की बात ये मोदी जी कर रहे हैं, ये प्लीज हम सब समझें, पढ़ें, चीजों को टटोलें, बिल्कुल नदी की हवा के धार में ना बह जाए कि वो जो अपोजिशन में लोग कह रहे हैं उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, आप हमसे जुड़ी। नमस्कार। जो दीपक जलाने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही है आज 9:09 के लिए, इसका क्या राज है? देखिए, अगर आप इसको अगर देखती हैं, जैसे ही मोदी जी के द्वारा ये बताया गया कि 5 तारीख को रात के 9:09 के लिए यह दीपक जलाने की बात हुई है, कोई भी जो मैकेनिकल रिसोर्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसका यूज नहीं होगा। जो हम घर में दीपक, कैंडल, लालटेन इन चीजों के और साथ में मोबाइल का जो लाइट है उसके थ्रू हम मतलब रोशनी फैलाएं देश में। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं इस 9 को देखती हूं तो यह कहीं ना कहीं मुझे अपनी संस्कृति को टटोलने के लिए मजबूर करता है, और यह बताता है कि यह 9 हमारे श्री यंत्र से लिया गया है। और मैं आप दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगी कि श्री यंत्र में अगर आप देखें तो श्री यंत्र में टोटल 9 ट्रायंगल्स होता है, जिसमें कि 4 जो होता है ऊपर की तरफ, मैं पिक्चर्स भी कुछ दिखाना चाहूंगी व्यूअर्स को, 4 जो है वो पुरुष भाग होता है जो ऊपर की तरफ होता है, और 5 स्त्री भाग होता है जो नीचे की तरफ होता है, और उसमें से 5वां जो एक भाग जो स्त्री का 5 में से जो एक भाग है वो गर्भाशय को बतलाता है। जो अगर आप देखें इसको यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा पाऊं तो ये श्री यंत्र है, और श्री यंत्र में ऊपर की तरफ 4 ट्रायंगल्स है और नीचे की तरफ हमारे 5 ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये 4 और 5 ट्रायंगल्स को अगर आप देखेंगी तो बाहर के छोर पे जितनी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है वो 14 ट्रायंगल्स हैं, जिसको कि अगेन जोड़ने के बाद वो 5 आता है। तो मैं उसको इस तरह से देख रही हूँ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी, जो हमारे बिल्कुल कहीं ना कहीं वेद से, अध्यात्म से, हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड है कि हमारे टोटल कितने ग्रह हैं, हमारे टोटल 9 ग्रह हैं, और जो कितने नक्षत्र हैं तो 27 नक्षत्र हैं, तो 2 और 7 को अगर आप जोड़ेंगी तो फिर वो 9 होता है। और 360 डिग्री का जो पूरा का पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है अर्थ का, उसका अगर डिविजन किया जाए तो उसमें से 12 राशि है, और अगर आप देखेंगे 12 अगर आप 9 करती हैं तो वो 108 आता है, जो हमें बताता है कि हम जो 108 बार जो मंत्र उच्चारण करते हैं, माला जो जपते हैं, तो हर तरफ से 2 और 7 को जब आपने पूरे 27 नक्षत्र को अगर आपने जोड़ दिया वो भी 9 आता है। 108 जो हम मालाएं जाप करते हैं अगर आप उसको भी 1 और 8 को जोड़ दें तो वह 9 होता है। साथ में जो हमारे जितने जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का देखें तो 9। तो इस तरह से 9 जो नंबर है, जब हम उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरे सृष्टि से, पूरे जितने भी राशि फल हैं, हर जो जीव जंतु जानवर जितने भी लोग हैं, हम सबों के मंगलमय की कामना करते हैं। हम उस निरंकार से प्रार्थना करते हैं कि सबों का भविष्य उज्जवल हो। तो इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक सोच है, सनातन धर्म की सोच है। इस वजह से यह समय जो लिया गया 9 और 9 के लिए,
तो ये कोई छोटी सोच नहीं है, इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक है। और श्रीयंत्र की अगर मैं बात करूं तो आज तक किसी साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आया कि ये श्रीयंत्र को का जो किस तरह से इसका रहस्य खोला जाए, ये बहुत बड़ी चीज है जो आम जनता के समझ से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम पढ़ेंगे तो शायद हम इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी, जब इस समय पर पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई और देश में लॉकडाउन चल रहा है, उस समय में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, देश की जनता को एकजुट होने के लिए आह्वान किया है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए बात कही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी ओर अफवाह भी उड़ाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? पावर ग्रिड फेल होने की बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, जबकि मंत्रालय ने आकर खुद साफ कर दिया। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, क्यों इस समय भी सियासत होनी चाहिए इस पर? नहीं देखिए, जिन्हें समझ नहीं है वो जरूर सियासत करेंगे, और कौन लोग सियासत कर रहे हैं और हम उन्हें क्यों संज्ञान में लेते हैं। देश का जो पूरा अभी आपने देखा, एटलीस्ट इस कोरोना की वजह से कितना कुछ देश के सामने निकल करके आया कि देश के लोग जो नेतृत्व करने की बात करते हैं वो कहीं भी मीडिया में, कहीं भी पब्लिक डोमेन में नजर नहीं आए, लेकिन देश का जो बिल्कुल जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारे लोग थे जो जगह जगह फंसे हुए थे, वो 3,000-4,000 किलोमीटर पैदल चल करके अपने अपने क्षेत्र में पहुंच गए और किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लेकिन ये सो कॉल्ड जो ओपोजिशन है, इनको बोलने की आदत है और ये अपने आप को जो लीडर बनाते हैं, आर्टिफिशियल लीडर्स ऐसे ही होते हैं जिनको तथ्यों की पकड़ नहीं होती है, और ये हल्ला मचाएंगे। इन्होंने बात करी, मैं सबसे पहले तो आपको बताई कि 9 नंबर लेने का वजह क्या था। अब ये ग्रिड फेलियर की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा, ये तो 9:10 पे ही पता चलेगा कितना ग्रिड फेलियर होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उन्हें ना तो साइंटिफिक समझ है ना ही टेक्निकल समझ है, तो बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, बोलने के लिए तो मुंह सबों को भगवान ने दिया, और एट लास्ट तो यही कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं या हम लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी है तो हमें बोलने की आजादी है, हमें आर्टिकल 14 आजादी देता हर चीज की, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट उनकी बातों को ध्यान में नहीं लेना है, सही मायने में जो मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो जिस विद्यालय से पढ़ी हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट रही हूँ, और जब भी हमारे स्कूल की सभा शुरू होती थी तो प्रार्थना सभा में सबसे पहले अस्तो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्यु माँ अमृतम गम्या, जिसमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात होती है, तो जो इन्होंने दिया जलाने की बात करी है, हर किसी के जीवन को वो प्रज्वलित करेगा। और जो लोग जो गांव में बैठे हुए, जो देश की जनसंख्या के लगभग 75-80% जो लोग हैं जो गांव में बैठे हुए, वो सारे के सारे लोग आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से मोदी जी के एक आह्वान पे थाली बजाने की बात हो या घर में अपने आप को सीमित रखने की बात हो, वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, मर्यादा, और साथ में अगर मैं कहूं कि आप उन चीजों का किसी के बोलने के बाद, देश का जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ है, जब वो आह्वान कर रहा है हाथ जोड़कर आम जनता से और पब्लिक उसको हाथों हाथ ले रही है, ये सो कॉल्ड छोटे मोटे ये जो कहने वाले सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनके चिल्लाने से इनको अब पता चल रहा है कि हमकी जमीन खिसक चुकी है और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इन सनातन धर्मों के अंदर जो सनातनी है उनका जो दिमाग के अंदर का जो बल्ब है ना, जो अंधकार है, वो खत्म होकर के प्रकाश की तरफ जा रहा है। बेचैनी इस चीज की है कि अगर हिंदू जागेगा तो हर तरफ हिंदू, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान की बात होगी, डर यही है। तो जिस तरीके से ये लोग दिया जलाने पर ये विरोध कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें जमात की, तो वहां पर निजामुद्दीन में मरकज में लोग शामिल हुए, जिनकी वजह से पूरे देश में आज मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, नर्सों से, डॉक्टरों से अभद्रता कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन उस पर ओपोजिशन कोई भी सवाल खड़े नहीं कर रहा है। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? दोहरी मानसिकता, एक तरफ तो आप दिया जलाने को भी आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ जहां सबसे बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पूरे देश में इन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा। नहीं देखिए, आप इन तीनों का जिनका नाम ले रही हैं, ये तो खैर बिल्कुल हाशिए पे है, इनकी बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा, लेकिन कोई ना कोई तो ऑपोजिशन में रहे, कोई ना कोई तो प्रश्न उठाने वाले लोग रहे जो सही सटीक प्रश्न उठा सके और जिसका जवाब देना माना जाए कि कुछ
तथ्य है, उनमें कुछ वजन है जिसका जवाब हो। जहां तक आपने बात करी कि अभद्रता की बात हो रही है हॉस्पिटल्स में, किस तरह से जो मुस्लिम्स लोग हैं वो किस तरह से नर्सेस के साथ अभद्र तरीके से पेश आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर थूका जा रहा है, पुलिस के ऊपर थूकना, सिर्फ आप ये ना देखें इसको, इतने हल्के में ना लें, उस वर्दी की अलग एक महत्ता है, उसके ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा, अगर उसके ऊपर इस तरह से प्रहार होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये देश की जनता इस चीज को समझ रही है, मुस्लिम जो है उनकी आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि हिंदू, सनातन और मुस्लिम, दो जो आमने सामने धरा बैठ खड़ा है, हम दोनों की पहचान क्या है। उनकी पहचान अगर आप शुरू से देखें, शुरू से मैं बात करूं तैमूर लंग से लेकर के जब से देश के अंदर आक्रमण हुआ मुस्लिम का, और हमें किस तरह से लूटा गया, खसोटा गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, तो उनकी जो बात रही है वो हमेशा से उनकी आइडेंटिटी ही रही है कि लूटना है, और औरतों की इज्जत भी उन्होंने कितनी करी है वो तो प्रश्न चिन्ह उनके साथ ही है और हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी जो बेचैनी है लोगों के बीच में, और खास करके जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम 15% अगर जाग जाए तो क्या हो जाएगा, उनको अब ये बेचैनी सता रही है कि 85% जाग रहा है, और 85% जाग रहा नहीं है, 85% जाग चुका है। ये क्वारंटाइन के, ये कोरोना वायरस के माध्यम से मोदी जी ने बता दिया, और वो जो बैठा हुआ गांव के किसी कोने में बैठा हुआ जो इंसान है जो पूरे इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को संभाल रहा है, अब वो जवाब देगा। ये सो कॉल्ड जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो सो कॉल्ड छोटे मोटे जो लीडर्स उभर रहे हैं, जिनको अगर मैं बात करूं दो चार लोगों को, अगर उनको करना है तो वो चले ना मार्गदर्शन पे, कहीं ना कहीं अंबेडकर के मार्गदर्शन पे चले ना, बेहतरीन काम किया है अंबेडकर ने। लेकिन इनकी तरफ से क्या हुआ, ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, बेचैनी यही है, जमीन खिसकेगी, और अभी का जो समय जो 70 साल जो बिल्कुल तानाशाही में और शाहजादे तरीके से जीवन जीने की जो प्रवृत्ति रही है और जिस तरीके से समय बीता है, तो वो तो अब मिलने वाला रहा नहीं। और ये काल जो चलेगा, ये काल ये लंबा खींचेगा, और ये जो लंबा समय खींचेगा परेशानी यही है। और उसमें कोई भी हो, प्रियंका गांधी की आप बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप सोनिया गांधी की बात करें, ये लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति नहीं है, प्लीज आप समझें इन चीजों को। तो दिया जलाने के मुद्दे को वो कैसे करेंगे, दिया आप देखिए, हमारे जब रामचंद्र जी अयोध्या जब लौटे थे, जब सीता को वापस लेकर के और लंका को पूरी तरह से ध्वस्त करके जब वो अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को जीता नहीं था, उसको भारत के साथ समाहित नहीं किया था। जब वो जीत करके आए थे तो सिर्फ उन्होंने जो घृणा की थी, जो उसने पाप किया था, उसको उन्होंने ध्वस्त किया था, और उस चीज का हम जश्न मनाते हुए दीपावली के दिन भी हम इतना कुछ हम दीपक जला करके हम हर जगह पे रोशनी फैलाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म को समझने की बात है, ये इटली वाले लोग जो इटालियन महिला से पैदा हुए बच्चे होंगे, मुझे माफ करें, वो इन चीजों को कतई नहीं समझ सकते। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है भारत के अध्यात्म को समझने की, भारत के संस्कृति को समझने की, और जो वो कर रहे हैं वो साफ इंडिकेशन यही है कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज द कल्चर एंड द रिलीजन आई मीन टू से कि धर्म का पाथ जो हिंदू धर्म अपनाता है कि हम सही डायरेक्शन में चलें, किसी का बुरा ना करें। और जो हमारी एक हमेशा से रही है हिंदुत्व की जो एक बात रही है कि हम चीजों को कहीं ना कहीं से हम उनको अपने अंदर लेते हैं, हमको समाहित करने की आदत है, और समाहित करते करते ऐसा हुआ कि मुस्लिम ने, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें इतना खंडित किया। अगर आप देश के मानचित्र को भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि हमने किसी का इन्वेजन नहीं किया है, हम किसी को जाकर के किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए, लोगों ने हमें बार बार आक्रमण किया, और हम टुकड़े में इतना बंटने के बावजूद भी आज के समय में हम इतने मजबूत और इतने लोहे की तरह हम लोग मजबूत बन चुके हैं। और मोदी जी इसका साफ उदाहरण है, और पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है। आप विश्व लीडर्स का आप कमेंट पढ़ें, विश्व लीडर्स की आप बाइट देखें कि वो क्या मान रहे हैं, वो भारत का लोहा मान रहे हैं। तो इनको उसी रास्ते अब वापस भेजने की जरूरत है, और देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। अब बात होगी सावरकर की, बात होगी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की, बात होगी, बेचैनी रहेगी और लंबे समय तक रहेगी। देश की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने धर्म को अपने ऊपर रखा है और देश को बाद में रखा है, पूरे देश में तबाही मचाई है, उसके बाद तो कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने भी इसमें बहुत लापरवाही दिखाई है, चाहे वो आनंद विहार से मजदूरों को भेजने की बात हो, चाहे तबलीगी जमात का इकट्ठा होने की। लेकिन इसके साथ ही राघव चड्ढा ने भी इस पर बयान दिया, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दिया जलवा रही है और हम दिल्ली गरीबों के घरों के चूल्हा जलवा रहे हैं, 72 लाख लोगों को हम खाना खिला रहे हैं।
जबकि दावे उनके झूठे निकल गए हैं, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है और मीडिया में लगातार आकर ये झूठे दावे कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बात करी अरविंद केजरीवाल की, और सही मायने में अनाउंस करके लिटरली उन जगहों पे, खास करके जो पूर्वांचली लोग थे उनको भेजा गया, जो माइग्रेटेड लोग यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं दिल्ली की इकोनॉमी, अगर आप देखें पंजाब में अभी गेहूं कटने में परेशानी हो रही है क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां से निकल चुके हैं, तो देश का क्या हालत है। वो जब लोग जो हमारे लिए एक साधन है, जो हमारे हम उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट है, और वो जो क्वांटम है, वो जो वॉल्यूम है, वो बहुत बड़ा है, अगर उसको परेशानी होगी तो वो देखने वाला विषय होगा कि आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। अरविंद केजरीवाल से तो समझ लिया जाएगा, जवाब जरूर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो क्लेम कर रहे हैं, जवाब लिया जाएगा सीसीटीवी के माध्यम से। समय का, थोड़े समय का इंतजार कीजिए, जो क्लेम था सीसीटीवी का वो तो हर जगह पे सीसीटीवी दिखेगा ना, कि क्या क्या उन्होंने काम किया, कितने लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, कितना मूवमेंट था लोगों में, वो सारा कुछ दिखेगा, तो वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात मैं अगर कहूं, अगर आपकी राघव चड्ढा की, राघव चड्ढा का 3-4 बाइट्स ऐसा रहा है जो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। एक बार उन्होंने साइप्रस के इकोनॉमी की बात को कनेक्ट करते हुए इंडियन इकोनॉमी से बोल दिया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, और आपको भी ये पता है कि राघव चड्ढा के अगेंस्ट में ऑलरेडी नोएडा में FIR दर्ज है। तो चीजें ये लोग ये आप कतई फिर आश्चर्य ना महसूस करेंगी। मैं आपको बताऊं अगर कि समय दूर नहीं है जब हमें, अगर हमने अपने इतिहास को अभी समय रहते हुए तरीके से नहीं लिखा, जो 85% हिंदू जो करेगा, तो हमें आने वाले समय में आप देखेंगे 20 साल 25 साल 50 साल के बाद अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोगों को भी महात्मा कहा जाएगा, क्योंकि आपके पास लोगों के बारे में जानकारी होगी ही नहीं, तो बोला जाएगा कि उन्होंने ये सारा बेहतरीन काम किया था। तो जो सच्चाई है वो सामने आएगा, क्योंकि जो लोग जाग चुके हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और सारा अब ये सिर्फ दूसरी बात है। अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल का मीडिया मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर इतनी जबरदस्त फंडिंग है, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया को मैनेज करके चलते हैं, लेकिन सीसीटीवी से मीडिया मैनेज नहीं होगा। सीसीटीवी चैलेंज होगा, सीसीटीवी हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, सीसीटीवी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और सीसीटीवी के माध्यम से वो लोगों को पब्लिक डोमेन में उसको डालें कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, और पब्लिक खुद ही देखेगी कि आगे क्या चल रहा है और क्या क्या उन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं और जो साथ में जो फलीभूत हो रहा है उसमें कितना गैप है। जो आपने बोला सीसीटीवी की बात, यहाँ पर कितने सारे वीडियोस आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, गरीब ही रहने दीजिए, हमें भिखारी मत समझिए, उनको खाना दिया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं, 5 स्टार का खाना देने का दावा कर रही है दिल्ली सरकार, लेकिन खिचड़ी दी जा रही है। इससे पहले हमने जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग की, वहां पर लोग कह रहे थे हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, और मीडिया में दिखाया जा रहा था 72 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, यहाँ तक कि आरएसएस जो रसोई में खाना बनवा रही थी आज तक ने उसे केजरीवाल की रसोई दिखा दी। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने सही बोला कि तथ्यों को टटोलने की जरूरत है, और सीसीटीवी कैमरा की जैसे हमने बात करी तो उसके माध्यम से बहुत कुछ क्लैरिटी सामने आएगी। ये मीडिया मैनेजमेंट के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, जमीनी स्तर पे ये कुछ भी नहीं काम करते। अगर आप देखें रिसेंट में अभी 5 लाख स्टूडेंट्स को फेल किया गया, वो भी न्यूज आ रहा है, तो न्यूज तो अभी दबा हुआ है क्योंकि ये कोरोना वायरस की तरह से बाकी जो खाने की चीजें के बारे में उठ रहा है, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, मैं भी बहुत सारे वीडियोस को देख रही हूँ, खासकर सोशल मीडिया का एक अहम रोल है, जो जगह जगह से वीडियो, और लोग अपने लेवल पे भी वीडियोस को सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पेज पे अपलोड कर रहे हैं। वो लोग सही मायने में जिन्होंने बोला कि हमें आप भिखारी ना समझे, उनके अस्मिता को आप समझें, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि हम भूखे जरूर रह सकते हैं लेकिन हम इतने लाचार नहीं है कि आप हमारे सामने आप कुछ भी पेश कर देंगे। ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक जवाब है, और जिस सवाल का फिर से जवाब हमें लेना पड़ेगा, इसी सरकार से लेना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि आम जनता को अब जागरूक होगी, क्योंकि जो चुनाव तो हो चुका है तो वो अरविंद केजरीवाल तो खुद आ ही चुके हैं उस कुर्सी पे, लेकिन ये जनता पूछेगी आगे कि आखिर जो उनका दावा था वो कितना सही हुआ। और अगर एक दो बातें मैं आपको अंदर की भीतरी बात अगर बताऊं तो ये भी हमारे पास खबर ही नहीं है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में 120 करोड़ रुपया का उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया कि इतने लेबर्स हैं, रजिस्टर्ड लेबर्स हैं, उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपया उनको रिलीज किया गया, फंड दिया गया है इस सहायता के तौर पे कि वो लेबर्स हैं। मैं पूछना चाह रही हूं कि, और मैं ये डेटा टटोल रही हूं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं वो उनके जैसे ही वो नोटिफाई करते हैं कि हम इतने लोगों को देंगे, और 2 से 3 दिन के अंदर इतने सारे लेबर्स इनके पास कहां से आ जाते हैं। तो मैं जब कहीं ना कहीं मैं ऑन ग्राउंड लेवल पे जब मैं देख रही थी कि इनके जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, इनके जो और भी फंड्स जो रिलीज किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा,
वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग सभी लोग, मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी ये बताना चाह रही हूँ कि इन चीजों को संज्ञान मिले, कि जो लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है वो सारे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और बाकी आम जनता तक तो इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। ये क्लेम धरा का धरा रह जाएगा। हम लोग भी जागरूक हैं, आप भी हैं साथ में, और बाकी जनता भी है। एक तरह से सुनामी आया है, और सुनामी गहरा भारी सुनामी जो है वो उथल पुथल तभी होता है जब वेव्स उस पानी में तभी रहता है जबकि अंदर जो गहराई है, जो खाई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखा हो, तो जवाब लिया जाएगा और देश की जनता अब जागरूक होगी और जवाब अपनी सरकारों से लेगी। आप देखें ना, दिल्ली के अलावा और तो किसी स्टेट में इस तरह की घटना नहीं हुई है। बार बार आप अरविंद केजरीवाल को देखें, आपको हर चैनल पे, आप कोई भी चैनल चेंज करें तो आपको अरविंद केजरीवाल का बाइट देता हुआ नजर आ जाएगा। वो ANI हो, कहीं पे भी हो, हर चैनल पे आप चेंज करें आप उस चैनल पे नजर आ जाएंगे। फेसबुक आप खोले आपको वहां नजर आ जाएंगे। आप दूसरी तरफ इंस्टाग्राम खोलें या फिर आप ट्विटर खोलें, यूट्यूब करें, हर जगह पे वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी जी हैं, हर जगह पे वो ग्राउंड लेवल पे मौजूद हैं। आपको पता है कि नोएडा में लोगों के दिमाग में एक बना हुआ था, मतलब साइकी सॉर्ट ऑफ था, कि जो लोग वहां पे जाते हैं मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी छीन जाती है। योगी जी ने तो उसको भी तोड़ करके, और वो आए बिल्कुल नोएडा आए, और नोएडा के DM से उन्होंने बात करी कि ये आपकी वजह से हुआ है, और लिटरली उनको वो चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जमीनी स्तर पे जो नेता आज के समय में वो सर्वमान्य होगा जो आम जनता के बीच में होगा, आम जनता के मुद्दे की बात करेगा टीवी पे बैठ करके, और वो सत्यनारायण भगवान की कथा और वाक्या बोलने से बात नहीं बनेगी कि आप एयर कंडीशन में कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। और मैं तो समझती हूँ कि अब हमें हमारे देश में जरूरत है कि योगी जी जैसे, मोदी जी जैसे नेताओं की, और यही हमारे राष्ट्र को आगे की तरफ ले जाएंगे। और राष्ट्रभक्ति अगर सही पूछा जाए तो सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा त्याग है अगर राष्ट्र के नाम से कुछ सेवा करने का। और आपको और हमको कुछ मौका मिलता है, हम सबको आगे आकर के कुछ ना कुछ देश के लिए जरूर करना चाहिए। जी मैम, इस समय लॉकडाउन के दौरान आप देशवासियों से क्या कहना चाहिए? और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 9 बजे दीपक जलाने की बात कही है, उसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा जो ये 9 दीपक है, ये आप देखें, ये बिल्कुल मेरा 9 दीपक तैयार है, और हर में किसी में ओम का है, किसी में गणेश का है, किसी में शंख का है, और मैं ये 9 दीपक के माध्यम से मैं 9 ग्रहों को पूजा करूंगी। उस सर्वभौम से मैं प्रार्थना करूंगी कि जो हमारे शीर्ष पे बैठे हुए नेतृत्व पे हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे नेता हैं, वो हमारे स्वस्थ रहें, और बिल्कुल देश को, राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा दें। पूरा का पूरा देश, ये तो सो कॉल्ड जो हमारे अपोजिशन में बैठे हुए कुछ लोग हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो थोड़े लोग इधर उधर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इन दोनों की तरफ देख रहे हैं, और ये देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं। और साथ में मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगी, आप जहां पे भी है, जो भी चीज गलत देखते हैं, प्लीज आप अपने फेसबुक पोस्ट पे डालें और लोगों के बीच में लाएं। आप शांत ना बैठें कि जब आपके घर पे नॉक होगा तभी वो मतलब दस्तक और तभी वो भूचाल माना जाएगा। अगर बगल पड़ोसी के घर में भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपकी तरफ है, तो आप जागृत रहें, जगे रहें। और मोदी जी के लिए तो मैं 1-2 लाइन रामधारी सिंह दिनकर, मैं बिहार से आती हूँ, मैं उनको बार बार पढ़ती हूँ, उनकी जो कविताएं होती है वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको पूरी तरह से झकझोरती हैं। और उनकी लाइनें हैं कि सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। तो जो ऊंचा सद्धर्म निभाने की बात ये मोदी जी कर रहे हैं, ये प्लीज हम सब समझें, पढ़ें, चीजों को टटोलें, बिल्कुल नदी की हवा के धार में ना बह जाए कि वो जो अपोजिशन में लोग कह रहे हैं उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। और 2 लाइन और आंचल, अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी, और उस चैनल पे प्रणव राय जो है हमारे NDTV के, और उस पे हमारे शशि थरूर थे और साथ में हमारे ईशा फाउंडेशन के जो हेड हैं सदगुरु, उनमें जब बात हो रही थी तो प्रणव राय ने कहा कि हमारे देश की जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ 2 चीजों के लिए जानी जाती है, एक ताजमहल, दूसरे महात्मा गांधी को। तो मैं कहूंगी कि कैसे भूल जाऊं मैं अपने उस सनातन को, कैसे भूल जाऊं मैं उस अपनी संस्कृति को, हड़प्पा की संस्कृति हो, मोहनजोदारो की संस्कृति हो, क्या टाउनशिप का प्लानिंग था, क्या आर्किटेक्चर था। अगर खेल देखा जाए तो खेल में भी लूडो और कैरम बोर्ड के जैसा खेल हमारे देश में इन चीजों की उत्पत्ति हुई है, इन चीजों का इन्वेंशन हुआ है। आप उन चीजों से समझें कि सांप और जो सीढ़ियों का खेल था वो क्यों था। हमारा देश आध्यात्मिक तौर पे ही नहीं, हमारी 25% की अर्थव्यवस्था थी, लोगों ने हमें लूटा है, हमने किसी के ऊपर इन्वेजन नहीं किया, और हम टुकड़ों में बंटने के बावजूद भी आज मजबूत हैं। लेकिन अब देने की जरूरत नहीं है, अब जागिए और जो आपके पास है उसको संरक्षित करके रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम बहुत दान कर चुके, दान पेटी हमारी
देते 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 अभी भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जागृत होने की स्वयं में जरूरत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आंचल, और मैं लोगों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि 9 दीपक मोदी जी के नाम पे जरूर जलाएं, देश के नाम के लिए जलाएं, मोदी जी के कहने पे देश के नाम जलाएं, देश को प्रज्वलित करें, आगे की दशा और दिशा इसी पे निर्भर करेगी। जय श्री राम जी। ओके थैंक यू।